नमस्कार एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है mahindraguru.com पे और इस समय आप करंट अफेयर्स एक्सप्रेस देख रहे हैं। क्योंकि ये सीजन चल रहा है कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स का, जिसका जो एस्पिरेंट्स है वो पूरे साल भर उसका वेट करते हैं और मेहनत के साथ अपनी सक्सेस को पाने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। और महिंद्रा अपने एस्पिरेंट्स के सपनों को समझता है, इसीलिए हम अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो हमारे कुछ वीडियोस हों विभिन्न विभिन्न विषयों के, या कोई टेक्स्ट हो, कोई स्टडी मटेरियल हो, जैसे कि हम मंथली बूस्टर्स देते हैं, कुछ एग्जाम विशेषांक हम निकालते हैं, स्पेसिफिक बूस्टर्स निकालते हैं अपने, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे mahindraguru.com पे। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी साइट को विजिट करें और YouTube चैनल के माध्यम से हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और पूरी तरीके से, जो कि सहभागिता लेगा आपके सफलता में, आपके विभिन्न एग्जामों में। आपका समय जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, तो उसे और ना वेस्ट करते हुए आइए हम अपनी दिन की सबसे पहली जो महत्वपूर्ण खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऑल एशिया एग्जीक्यूटिव टीम रैंकिंग 2016 में HDFC बैंक के CEO आदित्य पुरी को बेस्ट बैंकिंग CEO चुना गया। इनके अलावा बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शशि जगदीशन को बेस्ट CFO का खिताब दिया गया। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो, उनको इस तरह से सम्मानित किया गया है। HDFC बैंक, जो कि दूसरे नंबर का, अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो हमारे देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और लार्जेस्ट मनी प्रदाता, यानी कि धन प्रदाता कंपनी है, जिससे हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो काफी लाभ लेती है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि इस न्यूज से बन सकते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। आदित्य पुरी किस बैंक के CEO हैं? आपके सामने 5 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प 3 HDFC का सही उत्तर है। आप बड़े ही, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मोस्टली एग्जाम में ऐसे होता है कि पढ़ी हुई चीजें, हम इतने ज्यादा प्रेशर में रहते हैं कि वो हमें नहीं समझ में आती, तो आप सीधे विकल्प 5 जो है ऑड वन आउट की तरह से, नेशनलाइज बैंक है तो इसको आप वहां से हटा सकते हो। और इन 5 ऑप्शन पे आप थोड़ा सा अगर जोर देंगे और आप एक बार भी न्यूज के थ्रू गए हैं तो आप सही विकल्प का निश्चय ही चुनाव कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर इरिना ग्लुश्कोवा को रशिया में महाराष्ट्र पर्यटन एवं संस्कृति का मानद दूत मनोनीत किया है। इस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रशिया के विजिट पर थे और डॉक्टर इरिना ग्लुश्कोवा को एकदम सही उनका चुनाव था। उनको इसलिए चुना गया है कि डॉक्टर इरिना ग्लुश्कोवा मराठी जो सभ्यता है, जैसे एक वर्कारी है और एकाध सभ्यता और बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की, उस पर बहुत दिनों से वो एक तरह का रिसर्च कर रही हैं, तो काफ़ी वो खुद आकर्षित लगती है महाराष्ट्र पर्यटन और संस्कृति को लेकर के, तो ये एक तरह से सही चुनाव है। आइए देखते हैं इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। हाल ही में किसको रशिया में महाराष्ट्र पर्यटन एवं संस्कृति का मानद दूत मनोनीत किया गया है? आपके सामने 5 विकल्प हैं, निश्चय ही आप इस न्यूज को, खबर को पढ़ने के बाद सही विकल्प, जो कि इरिना ग्लुश्कोवा है, का चुनाव कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के अनुसार ट्रांसपेरेंसी के मामले में इंडियन कंपनियां बेस्ट और चीन की कंपनियां सबसे खराब हैं। सबसे पहली बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे होता कहाँ है? ये एक बर्लिन बेस्ड सर्वे है। इस सर्वे का उद्देश्य क्या है? इस सर्वे का उद्देश्य है कि जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का जो लेवल है कंपनीज में, उसको मापना और उसको एक रैंक देना। और ये हमारे लिए दूसरी, अगर HDFC के बाद की बात करें तो ये दूसरी बहुत ही गर्व की न्यूज बन जाती है कि भारतीय जो कंपनियां हैं उनको सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग इसमें दी गई है। अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो उसमें भारतीय एयरटेल, जो कि टेलीकॉम यानी दूरसंचार विभाग की कंपनी है, प्राइवेट जो कंसर्न है, इसको सबसे ज्यादा उच्च प्रतिशत मिले हैं। इसको 75% इस कंपनी ने सिक्योर किया है ट्रांसपेरेंसी के मामले में। अगर हम पॉइंट्स में डिस्कस करें तो इस कंपनी ने 7.5 नंबर्स, टोटल 10 नंबर में अगर हम देखें तो 7.5 नंबर इस कंपनी को मिला है। और चाइनीज कंपनियों को सबसे खराब, यानी कि सबसे इनके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है अपनी एम्प्लॉयज, अपनी कंपनीज के जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयज ग्रीवियांस बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। इसमें देखते हैं कि महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के अनुसार किस देश में सबसे अधिक पारदर्शी कंपनियां हैं?
तो इसका है विकल्प 5, बिना सोचे समझे अगर आप न्यूज को पढ़े हैं तो सीधे उस पर चुनाव करिए, हमारे देश का नाम है, जो कि विकल्प 5 इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। पूर्व भारतीय फुटबॉलर अमल दत्ता का निधन हो गया, वो 86 वर्ष के थे। काफी ही इन्होंने स्टुपेंडस तरीके से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है जब तक ये टीम में रहे हैं। ये एज अ मिडफील्डर का रोल ये करते थे। फुटबॉल टीम की अगर बात करें, फुटबॉल गेम की बात करें, इन्होंने बहुत अच्छे ट्रेंड्स और स्किल्स उस समय के जो हमारे फुटबॉलर्स थे उनको सिखाए, और अभी तक जब तक ये जीवित थे कुछ ना कुछ अपना दिशा निर्देश लोगों को हमेशा देते रहते थे। इन्होंने 1954 में भारत के जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें भारत को फुटबॉल टीम की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। आइए देखते हैं, सिंस ये ऑबिचुरी की न्यूज है, और जैसा कि आपको पता है कि ऑबिचुरीज में जनरली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो व्यक्ति है वो किस क्षेत्र से संबंधित था। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है। अमल दत्त एक प्रसिद्ध, अब आपके सामने 5 डिफरेंट विभिन्न प्रकार के क्षेत्र दिए गए हैं। अगर आपने इस न्यूज को ध्यानपूर्वक सुना या पढ़ा हुआ है तो निश्चय ही आप विकल्प 2 का चुनाव कर सकते हैं, जो कि फुटबॉलर थे। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। पुर्तगाल ने यूरो 2016 के फाइनल मैच फ्रांस को 1-0 से हराकर यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। यूरो 2016 इसका जनरली लोग बोल देते हैं, अगर पूरा देखें तो यूईएफए 2016 फुटबॉल कप इसको माना जाएगा। पुर्तगाल ने और टोटल अगर इस मैच की बात करें यूरो 2016 की, इसमें टोटल 24 टीमों ने भाग लिया था, और जिसमें पुर्तगाल आखिरी मतलब सारी इतने महीनों की या हफ्तों की जो भी इनका गेम स्पोर्ट चलता है उसके बाद पुर्तगाल सबसे जीतता हुआ, क्योंकि निश्चय ही वो जो 24 टीमें थीं वो अपने में बहुत ही विशेष टीमें रही होंगी, बहुत ही सशक्त टीमें रही होंगी, और उसमें से पुर्तगाल ने सारी टीमों को पराजित करके अंतिम जो विजेता है वो जाके बना। तो पुर्तगाल के लिए बहुत ही सफलता की बहुत ही अच्छी खबर है। देखते हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है। यूरो कप 2016 का विजेता कौन है? इसका उत्तर है विकल्प 4, यानी कि पुर्तगाल इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। एंडी मरे ने पुरुष एकल फाइनल में कनाडा के मिलोस रोनिच को हराकर दूसरी बार विम्बलडन और तीसरी बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। तीसरी बार ग्रैंड स्लैम खिताब जो है ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही सम्मानित दृष्टि से खिताब देखा जाता है और बहुत ही उत्कृष्ट इस खिताब को माना जाता है। एंडी मरे वैसे पुराना इनका जो रिकॉर्ड है वो भी काफी कंसिस्टेंट रहा है, काफी मतलब लगातार अगर क्रमशः माने इनको कंटिन्यूटी में माने तो विजय ही रहे मोस्टली गेम्स में। अब देखिए इस खबर से एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी पूछ सकते हैं एस्पिरेंट्स, क्योंकि आजकल बैंक्स का ट्रेंड है, अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो उनका एक ट्रेंड चल रहा है कि वो हमें सरप्राइज कर रहे हैं। आए चाहे अब अभी SBI का एग्जाम हुआ था उसको लेके देख लें, अभी आने वाले और एग्जाम्स हैं उसमें भी। अब एंडी मरे पर आप फोकस करेंगे, लेकिन अब एक क्वेश्चन तुरंत इसमें से रेज हो सकता है कि मिलोस रोनिच को हराया जो कि कहां से संबंधित थे? कनाडा से संबंधित थे। तो इस पर भी आपका विशेष ध्यान होना चाहिए अगर आप स्पोर्ट की कोई भी न्यूज पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कई महत्वपूर्ण सवालों में से जो एक विशेष सवाल इस पे बन सकता है वो है, एंडी मरे ने पुरुष एकल फाइनल में किसको, देखिए इस तरह का सवाल है, हम इसको समझ रहे हैं कि इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं बैंकिंग में, इसलिए हम ये सवाल आपके लिए हम लेके आए हैं, को हराकर दूसरी बार विम्बलडन और तीसरी बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। विकल्प 1 यानी कि मिलोस रोनिच जो कि कहां से संबंधित थे? कनाडा से संबंधित थे, को पराजित करके इस खिताब को जीता। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि शायद आज की हमारी सबसे अंतिम खबर है महत्वपूर्ण खबरों की दृष्टि से। ये खबर है, वीनस और सेरेना विलियम्स ने हंगरी की टिमिया बाबोस और कजाखिस्तान की यारोस्लावा शेदावा की जोड़ी को हराकर छठी बार विम्बलडन युगल खिताब जीता। तो ये अगर युगल खिताब की बात करें, जोड़ी की बात करें, वीनस और सेरेना विलियम्स जैसे कि आप विश्वविख्यात है जोड़ी, दोनों सिस्टर्स हैं और हमेशा दोनों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर विम्बलडन युगल खिताब की बात करें हम तो ये छठवां इनका था, और अगर सिंगल्स की बात करें तो सेरेना विलियम्स ने सिंगल्स विम्बलडन जीता है, वो उनका 7th नंबर का था, और साथ ही उन्होंने 23 जितने भी विम्बलडन थे उनकी 22 जितने भी थे उनकी सबकी बराबरी कर ली है। आइए देखते हैं इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। टिमा बाबोस जैसे कि मैंने कहा किसको पराजित किया, ये भी बहुत ही फाइनल्स में किसको पराजित किया और जनरली सिंगल्स में पूछते हैं,
साधारणतः सिंगल्स का ही जनरली पूछा जाता है, तो कि उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। देखिए सवाल फिर से वैसे ही बन गया कि तिमा बाबोस किस देश की रहने वाली है, विकल्प दो हंगरी इसका सही उत्तर है। इसी अंतिम खबर के साथ आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो समाप्त होती हैं। हमारी आशा है कि ये सारी खबरें कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको मिलें और आप सही विकल्प का चुनाव करके, कम से कम 7 खबरें होंगी तो कम से कम 7 पॉइंट्स तो आप पूरे लेके जाएं, ठीक है। और इसी तरह डेली डेली आप अगर इस तरह से अपडेट करते रहें, क्योंकि हमारी पूरे प्रयत्न रहते हैं आपको महत्वपूर्ण खबरों से जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी खबरें हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करें एक इफेक्टिव प्रभावी तरीके से, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है।